खरीदा है, कोई सर्विस बेची है या कोई मशीन बेची है, रिलेटेड टू मनी. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू मनी और विच आर फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग, पैसा कमाने के लिए, वो होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. ठीक है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम सिस्टमेटिकली सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं कि एक साल के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही मान लो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें मैं सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करूंगा कि एक साल के अंदर कितने ट्रांजेक्शन से मुझे पैसा मिला और कितने ट्रांजेक्शन से मैंने पैसा दिया. रेजिडेंट हम विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसके साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ. ठीक है, आगे देखो. अब बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा और बोलते हैं. सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं वो कौन से हैं? देखो ध्यान से. पहला, चार भागों में डिवाइड है. फर्स्ट, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स. किसकी ट्रेडिंग? विजिबल आइटम्स की. विजिबल आइटम्स का मतलब जो चीजें मैं देख सकता हूं, जो सामान मैं देख सकता हूं, जैसे गुड्स वगैरह हो गए. गुड्स का मतलब जो इधर लिया मैंने, खरीदा और सामने वाले को बेच दिया. सो ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स. किसका? रेजिडेंट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंडिया और बाहर के बीच में जब भी विजिबल आइटम की ट्रेडिंग होगी, गुड्स की ट्रेडिंग होगी, वो क्या कहा आएगा? यहां पे फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. सेकेंड, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स. इसके अलावा क्या आता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में? ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जिसको मैं देख नहीं सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज. जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी ट्रेडिंग कहां आती है? इसमें, कि इंडिया से बाहर. जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर के कॉल सेंटर्स इंडिया में आए तो वो क्या है? ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम. नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो क्या है? ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम विद रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और क्या आता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर. यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, जो कि एक साइड होते हैं वापस रिटर्न नहीं. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल हेल्प मुझे बाहर से प्रोवाइड की गई तो वो क्या है? यूनिलेटरल है. गिफ्ट्स वगैरह मुझे बाहर से प्रोवाइड किए गए वो क्या है? यूनिलेटरल है, रिलेटेड टू मनी. लास्ट, कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल का मतलब एसेट्स. अब एसेट्स क्या होते हैं? कॉमर्स के सारे स्टूडेंट्स को पता है एसेट्स क्या होता है. एसेट्स का मतलब कोई भी चीज जो एक तरीके से मनी के एवज में आई हो, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी, बाइक, कार, टेबल, पेन, ये सारे एसेट्स जो कि पैसे के बदले में आए. समझ गए? सो कैपिटल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से आते हैं? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड एसेट्स या कैपिटल का ट्रांसफर. तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चार जगह से चीजें डिसाइड होती है. एक साल के अंदर मैंने यहां से इंडिया के बाहर या बाहर से कोई भी सामान आया तो वो इन चारों हेड्स में से किसी एक हेड के अंदर जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने बाहर से कोई भी चीज इम्पोर्ट करी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मशीन चाहिए नहीं, वो इंडिया में नहीं मिल रही, तो मैंने बाहर से इम्पोर्ट करी, तो वो कहां काउंट की जाएगी? कैपिटल ट्रांसफर.
बाहर से मुझे मेरे किसी रिलेटिव ने, मेरे भाई ने, मेरा बहन ने, किसी ने मुझे बाहर से मनी प्रोवाइड की, वो क्या आएगी? यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, मुझे नई टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि मैं अपनी कंपनी में लगा सकूं, वो क्या आएगी? इनविजिबल आइटम्स। मुझे बाहर का कोई चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बाहर कोई मस्त सी जैकेट आई है जो मुझे पहनने के लिए चाहिए, वो क्या आएगी? ट्रेडिंग ऑफ विजिबल गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें कोई भी चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन इन चार हेड के अंदर डिफाइन होता है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक साल के अंदर इंडिया और उसके बाहर के लोगों के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, वो सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक पेपर है जिसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब आगे बढ़ने से पहले, अभी हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चार ट्रांजेक्शन आते हैं। अब उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनता है और उसमें कहां क्या आता है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट की तरह, कॉमर्स स्टूडेंट सब समझ जाते हैं, पर जो नॉन कॉमर्स उनके लिए भी देख लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो साइड होती है, एक साइड कहलाती है अपनी डेबिट और एक साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। समझ रहे हैं इस चीज को? अब जब हमने, हम लोगों ने और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, तो सीधी सी बात है, या तो पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, या तो पैसा आया होगा या पैसा गया होगा। तो अगर पैसा आया है तो हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड, यानी कि पैसा आया, सामान बेचा मैंने, तो यहां पर लिखेंगे। पैसा गया तो किस तरफ? इस तरफ। पैसा आया तो क्रेडिट में, पैसा गया तो डेबिट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन तरीके के होते हैं, या तो बैलेंस होगा, बैलेंस का मतलब जितना ये उतना ये, यानी कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, या फिर सरप्लस होगा, सरप्लस का मतलब आया ज्यादा गया कम, यानी डेबिट कम है और क्रेडिट क्या है? ज्यादा। और थर्ड, डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब नुकसान हो गया, यानी डेबिट ज्यादा, बाहर ज्यादा चला गया और आया कम, तो डेबिट ज्यादा और क्रेडिट कम। ध्यान रखना है हम पैसे की बात कर रहे हैं, डेबिट ज्यादा का मतलब मैंने पैसा बाहर ज्यादा भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि मैंने बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आया हूं। सो ये होता है तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, ये एक तुम्हारा अकाउंट जिसमें दो साइड डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट में सारे आउटफ्लो, क्रेडिट में सारे इनफ्लो, पैसा आया तो इधर लिखना है, गया तो इधर लिखना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तीन तरीके का, या तो बैलेंस, या सरप्लस, या फिर डेफिसिट। तो ये है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का छोटा सा स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखना, हमने देख लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैसे होता है। अब बिल्कुल एक सीधी सी चीज समझा रहा, हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चार चीजें आती हैं, विजिबल आइटम का ट्रांजेक्शन, इनविजिबल का, यूनिलेटरल का और कैपिटल का। हमने अभी देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा बनता है, एक साइड और दो साइड, पर एक्चुअल में इस एक अकाउंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, इस एक अकाउंट के अंदर दो होते हैं छोटे छोटे। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हेडिंग आई, ये पेज है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ, इसके अंदर एक अकाउंट ये, दूसरा अकाउंट ये, सारी रूल वही है कि डेबिट में जाएगा क्रेडिट में आएगा, सेम रूल है। पर दोनों अकाउंट क्या होते हैं? एक अकाउंट होता है तुम्हारा करंट अकाउंट और एक अकाउंट होता है तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं इसको? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ दिमाग नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये चार चीजें आती हैं, इन चारों में से तीन चीजें, ये और ये, इस अकाउंट के अंदर लिखी जाती है। ये तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बना, बीओपी, इसमें चार चीजें लिखी जाएंगी, इन चारों में से करंट अकाउंट में एक दो तीन, ये तीनों चीजों की ट्रांजैक्शन यही लिखे जाएंगे, आया तो क्रेडिट में, गया तो डेबिट में, आया तो क्रेडिट में, गया तो डेबिट में, करंट अकाउंट। समझ में आया? तो चार में से तीन चीजें कहां लिखी जाएंगी? इस अकाउंट के अंदर। और लास्ट चौथी, कैपिटल या फिर एसेट्स के ट्रांसफर किसके लिए छोड़ दिए जाएंगे? कैपिटल अकाउंट।
एसेट्स के ट्रांसफर किसके लिए छोड़ दिए जाएंगे? कैपिटल अकाउंट के लिए। तो समझ में आया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चार चीजों का ट्रांजेक्शन होता है, या तो विजिबल या इनविजिबल या यूनिलेटरल या फिर एसेट्स का ट्रांसफर। विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, ये तीनों इस अंदर के करंट अकाउंट में लिखे जाएंगे और चौथा कैपिटल कैपिटल में लिखा जाएगा। रूल सेम वही है कि डेबिट में सारे आउटफ्लो और क्रेडिट में सारे इनफ्लो। पैसा आया तो क्रेडिट में लिखना है, गया तो क्रेडिट में लिखना है। पर कैसे आया पैसा? अगर इन तीनों में से किसी चीज से आया है तो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा, एसेट्स के थ्रू आया है तो कैपिटल में, गए में भी सेम कि अगर इन तीन चीजों की वजह से गया है तो करंट में, एसेट्स की वजह से गया है तो उसमें कैपिटल। समझ में आया? अब ये तो तीन हमें पता है, ये क्या है? विजिबल आइटम जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स का। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब सिर्फ गुड्स का ट्रांजेक्शन, इन चारों में से सिर्फ एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल आइटम भी पता है, सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर भी हमें पता है, वन साइड। अब अपन उठाते हैं कि कैपिटल ट्रांसफर क्या होता है। हमने अभी बता दिया कि एसेट्स के ट्रांसफर होते हैं, पर एक बार इसको थोड़ा सा डीप में और देख लेते हैं कि कैपिटल ट्रांसफर के अंदर कि एक चीज से दूसरी जगह कौन कौन से एसेट्स जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कौन कौन से एसेट्स जाते हैं, वो देखते हैं। तो हम अपन उठाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है कैपिटल अकाउंट में, ध्यान से समझ। बहुत टिपिकल नहीं कह सकते पर थोड़ा सा चेला है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं वापस समझा रहा हूं पूरा एक बार। बैलेंस ऑफ पेमेंट है जिसमें ये चारों चीजें लिखी जाती है, इन चारों में से तीन लिखी जाएंगी करंट अकाउंट में और एक लिखी जाएगी कैपिटल अकाउंट में, और इन दोनों को मिलकर क्या बनता है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजिबल आइटम्स का जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी किसका, ट्रेडिंग का, गुड्स के चेंज का ट्रांजेक्शन होगा। इनविजिबल में बाकी चीजें और यूनिलेटरल में वन साइड। अब बात आती है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, कंफ्यूजन होता है क्या क्या आएगा। तो इसमें पहला आता है प्राइवेट ट्रांजेक्शन। प्राइवेट ट्रांजेक्शन का मतलब मेरी प्राइवेट कंपनी ने बाहर से सामान खरीदा या बाहर की प्राइवेट कंपनी ने हमसे सामान खरीदा, तो ये क्या आएगा, प्राइवेट ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन का मतलब गवर्नमेंट ने बाहर से सामान खरीदा या वहां की गवर्नमेंट ने हमसे सामान खरीदा, दोनों का इनफ्लो आउटफ्लो, तो ये क्या है, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन का मतलब ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट इन बीओपी, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लो। नेक्स्ट, बैंकिंग कैपिटल, हमारा पैसा, हमारी बैंक का पैसा बाहर की किसी वर्ल्ड बैंक में पड़ा हुआ है या कहीं और पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान से देखो क्या आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है एफडीआई। एफडीआई वर्ड सबने सुना होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि बाहर से लोग हमारे आए, पैसा लगाया और काम कर रहे। जैसे अभी हमने सुना है कि बीएमडब्ल्यू का शोरूम इंडिया में आएगा, बीएमडब्ल्यू की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट होगी और बहुत सारी नई नई चीजें, तो वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के लोग यहां आके सीधा पैसा लगा के काम चालू कर रहे अपने नाम से, खुद ही के नाम से। ये भी हो सकता है कि हम लोग किसी और कंट्री में जाके काम चालू कर रहे, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देखो, लास्ट सिंपल लास्ट चीज, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये सेम इसके जैसा ही है। अभी हमने क्या कहा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, कि बाहर की बीएमडब्ल्यू के लोग यहां आके प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू के नाम से, ये तो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब वहां के लोगों ने यहां पैसा लगाया किसी चीज पे, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ट्रस्ट पे या किसी यूनिवर्सिटी पे, बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया यहां पे, अब उनको कोई लेना देना नहीं है उससे, काम हो रहा है वो इंडिया के लोग अपनी तरीके से कर रहे हैं। यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोग पैसा लगाते हैं और उन्हें सिर्फ रिटर्न से मतलब, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उनका नाम जुड़ा हुआ है, उनका नाम जुड़ा हुआ है। जैसे हम नहीं कहते कि फलाना एक इंस्टीट्यूशन है जिसका मालिक या ट्रस्टी अमेरिका का बंदा है, वो क्या है, दैट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि उसने यहां पैसा लगाया उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, नाम से नहीं। जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बाहर के लोग आए, उन्हीं अपने ही नाम से वो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं पर उन्हीं के नाम से। यहां पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने सिर्फ हमें मनी दी है कि आप इंस्टीट्यूशन को चलाओ,
ठीक है। तो लास्ट आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसको FIT भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर, ठीक है। सो ये है तुम्हारे जो कि कैपिटल मार्केट। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें चार चीजें, चार में से तीन चीजें बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में आती हैं और लास्ट कैपिटल ट्रांसफर वाली चीजें कैपिटल अकाउंट में आती है। इसमें क्या क्या हो गया, ये सारी चीजें, प्राइवेट के ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट के, बैंक के, FDI या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें आती है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थशास्त्र खत्म कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा खत्म कर लेंगे। सो हम बिल्कुल अपने एंड की तरफ आ रहे हैं। सो टिल द एंड पहले ये देखो, ये क्या है गाइस, ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है, दिस इज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो जिस भी पर्सन को ये वीडियो समझ में आ रही हो और ये बुक खरीदना चाहता हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 769-00-41256, आई रिपीट 769-00-41256, विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन इट, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू या नॉर्मल कॉल के थ्रू। Guys, till then, keep on watching Economics on your tips. Like करो, comment करो, share करो, and don't forget to subscribe.